हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स। सिंटेक्स होता है किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका, और हम जावा स्क्रिप्ट को किस तरह से लिख सकते हैं। देयर आर मेनली टू वेज टू राइट द जावा स्क्रिप्ट। हमारे पास दो वेज हैं जिससे कि हम जावा स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। एक हमारे पास है इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। तो इस वीडियो में हम इंटरनल जावा स्क्रिप्ट को कवर करेंगे। तो इंटरनल जावा स्क्रिप्ट आपकी होती क्या है? एन इंटरनल जावा स्क्रिप्ट इज़ यूज इफ़ यू वॉन्ट टू मेक चेंज इन अ सिंगल पेज। अगर आप सिंगल पेज में किसी भी HTML एलिमेंट्स को या फिर किसी भी एलिमेंट्स को चेंजमेंट करना चाहते हैं या फिर उस पूरे पेज को चेंजमेंट करना चाहते हैं, तो हम इंटरनल स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। इंटरनल जावा स्क्रिप्ट आर डिफाइंड विद इन अ स्क्रिप्ट एलिमेंट। ये स्क्रिप्ट एलिमेंट के बीच में आपकी डिफाइन होगी इन साइड हैड और बॉडी सेक्शन। ये हैड और बॉडी सेक्शन किसी में भी डिफाइन हो सकती है। ये छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने जिसमें हेडिंग में आपने स्क्रिप्ट टैब को लगाया है, और विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन ये आपका एक छोटा सा फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है? आपके किसी भी पेज पे कुछ प्रिंट करने के लिए काम में आता है, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वाली वीडियोस में दूंगा जिसमें आपको विंडो डॉट अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये सारे फंक्शंस धीरे धीरे पता चल जाएंगे। बट सैम्पल के लिए हम स्टार्टिंग में ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नोटपैड खोलकर। तो नोटपैड प्लस प्लस में मैं ये सब चीज़ें वर्क करा रहा हूँ। बाकी आप उबंटू के लिए एंड लिनक्स के लिए एंड और आपके मैकिंटोश के लिए डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बॉडी सेक्शन और हेडिंग सेक्शन दोनों में डाल सकते हैं, तो हम हेडिंग सेक्शन में डाल रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और एंडिंग टैग लगाएंगे स्क्रिप्ट का, जिसको हम क्लोजिंग टैग भी कहते हैं, और इसके अंदर आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में हम लिख रहे हैं कि विंडो डॉट अलर्ट। तो विंडो डॉट अलर्ट में हम लिखेंगे, इसके बाद डबल कोट्स लगाएंगे, सेमी कॉलन, और इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो अब इसे हम रन कराएंगे, इसे हम सेव करेंगे। सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। ये मैं इसे js.internal.html से सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सेव करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करेंगे इसे, किसी ब्राउज़र में आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम में इसे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे गूगल क्रोम में ओपन होते ही आपको सामने देखो लिखा ही आ रहा है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, जो हमने लिखा था। ओके, अभी इसके बाद जो लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अबाउट अस लिखा आ रहा है, और विंडो डॉट अलर्ट जो हमारा स्टार्टिंग में आ रहा था। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, ये जो लिखा रहा है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो विंडो डॉट अलर्ट का यही काम है कि आपका एक मैसेज ये पास कर देता है स्टार्टिंग में। तो ये हम एज ए सैम्पल यूज़ करेंगे काफ़ी वीडियोस में, बट मैं इसके बारे में और भी चीज़ें आपको बताऊंगा अभी। सो ये हमारी हो गई इंटरनल स्क्रिप्ट। सो आई होप आपको इंटरनल जावास्क्रिप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, मीट मी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूएबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।